सूट्स का बहुत शौकीन हूँ, हमें फिल्मों में कई बार मौका नहीं मिलता उतना, लेकिन इस बार सूट पहनने का मौका मिला। और साथ में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्वेटर है जो मैं चोरी करके घर भी ले जाऊंगा इसके बाद, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है। और साथ में वाइट स्नीकर्स पहनने का मौका मिला, तो ये कॉम्बिनेशन कपड़ों का ऐसा है वेयर यू आर फॉर्मल ऑल्सो बट यू आर कैजुअल ऑल्सो, तो जो सेमी फॉर्मल कहा जाता है, आई थिंक टुडे आई फील आई एम रिप्रेजेंटिंग दैट थॉट प्रोसेस। और ब्रांड के कपड़े जो है बहुत ही उम्दा है, बहुत ही लाजवाब है, तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज वन, बट इसीलिए स्टाइलिश हमारी जिंदगी में। मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ जो एक हिस्टोरिकल वॉर ड्रामा है जिसका नाम है पानीपत, विच इज़ बेस्ड ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। आशुतोष गवारीकर हमारे डायरेक्टर साहब है, वो चाहते हैं कि जब मैं पेशवा के रूप में आऊँ पहली बार, वो इम्पैक्ट हो जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की है। और वो इम्पैक्ट तभी आ सकता है जब आप पूरा लुक देखें और पूरी दुनिया देखें फिल्म की। अगर मैं ऐसे ही चल के निकलूँ शायद वो मज़ा फीका पड़ जाए या किरकिरा हो जाए, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि डायरेक्टर की बात में दम है, इसीलिए मैं टोपी पहन के घूम रहा हूँ इतने कब से, दिसंबर से लेकर अभी तक मैंने तो हर रोज़ टोपी पहनने की आदत हो गई, अभी तो अजीब लग रहा है, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन। और मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ, आई रियली बिलीव दिस इज समथिंग दैट्स वेरी यूनिक फॉर मी। आप मेरी मूंछ भी देखेंगे तो मैं ऊपर करके पहनता हूँ, यहाँ पे तो नीचे है लेकिन फिल्म में ऊपर करके पहनी है, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बतौर एक्टर नहीं है, मैं मानता हूँ मेरी ऑडियंस के लिए नहीं है, तो आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इट इन द बेस्ट वे फॉरवर्ड, तो आने वाले समय में जरूर दिखाएंगे। आई ऑलवेज बिलीव दैट माई पर्सनल स्टाइल इज थोड़ा वो कहते हैं ना हटके, सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक। आई लाइक द होल चेकर्ड लुक हैपनिंग, इट्स वेरी ब्राइट, इट्स नॉट अ रेगुलर सूट, एंड आई डोंट एवर रिमेंबर वेयरिंग अ डबल ब्रेस्टेड जैकेट आफ्टर द ब्लेजर्स आई वोर इन स्कूल, सो आई थिंक आफ्टर दैट आई एम वेयरिंग दिस एंड आई एम हैप्पी, आई रियली लाइक इट।